Dear students, today we will discuss about writing skills, sentences. This topic is prepared for level 2. आज के टॉपिक में डिस्कस होगा सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. Sentences. What is a sentence? Sentence क्या होता है? Sentence वो set of words है जो कोई complete meaning देता हो, जो complete होगा, ठीक? Typically containing a subject and a predicate, जिसमें एक subject होगा और एक predicate होगा. What is a subject and what is a predicate, ये हम आगे देखेंगे कमिंग स्लाइड्स में. सेंटेंस जो है ये कन्वे करता है पूरी मीनिंग जो आपको बताना है, आपको बात करनी है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो सेंटेंस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर कम्युनिकेशन. ये आपका कोई स्टेटमेंट, आपका कोई क्वेश्चन, आपकी कोई एक्साइटमेंट हो, कोई ऑर्डर हो, जो भी आपको कम्युनिकेट करना है वो आप करते हैं थ्रू सेंटेंसेस. और सेंटेंस जो है इसमें होता है मेन क्लॉज एंड सब, और कभी कभी इसमें होते हैं एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. दिस इज सेंटेंस. एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंसेस की एग्जाम्पल हम देखेंगे. आई सी द कैट, ये एक सेंटेंस है, पूरी मीनिंग है कि मैंने एक कैट, मैंने एक बिल्ली देखी. द कैट इज फैट, ये भी पूरा सेंटेंस है विद फुल मीनिंग, बिल्ली मोटी है. आई हैव अ बैट, दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस विद अ कंप्लीट मीनिंग, मेरे पास एक बैट है. माई पेन इज रेड, मेरा पेन, मेरा कलम जो है वो रेड है. इज इट इन द डेन, क्या ये डेन में है, ये क्वेश्चन है, बट दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस. नाउ वी विल सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. अभी हमने बोला कि एक सेंटेंस जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, ठीक, एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज है, वो इंसान है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है. वर्ब कौन सी एक्शन परफॉर्म करता है, ये वो वर्ड है जो आपको बताता है कि कौन सी एक्शन परफॉर्म करता है. ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करेगा, ये किस पे एक्शन होगी, कौन सी चीज या कौन से इंसान पे एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन रिसीव कर रहा है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. और वर्ब ये डिस्क्राइब करता है कि कौन सी एक्शन हो रही है. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जो ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है इनको हम थोड़ा इलाबोरेटेड देखेंगे. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो अभी हमने पढ़ा, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस है, ही स्वैम इन द लेक. ही स्विमिंग की, किसने की, ही किसी ने की, ही इज द सब्जेक्ट. क्या किया इसने, इस ही ने क्या किया, ही स्वैम, इसने स्विमिंग की. स्विमिंग किस में की इसने, किस पे एक्शन हुआ, लेक पे एक्शन हुआ, यानी कि लेक जो है, द लेक जो है ये ऑब्जेक्ट है. दूसरा सेंटेंस है, शी रोड द बाइसिकल. शी बाइसिकल चला रहा है, कौन, शी कोई लड़की चला रही है. लड़की बाइसिकल के साथ क्या कर रही है, चला रही है. तो एक्शन क्या है, चलाना, यानी कि रोड. किस पे चला रही है, क्या चला रही है वो, साइकिल, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, द बाइसिकल. ऐसे ही एग्जाम्पल है, ही थ्रू द बॉल, इसमें सब्जेक्ट ही है, वर्ब थ्रू है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो द बॉल है. द डॉग चेज द कैट, डॉग सब्जेक्ट है, चेज यानी पकड़ रहा है ये इसको, किसको, कैट को, तो कैट जो है वो ऑब्जेक्ट है.
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो अभी हमने पढ़ा, एक डायग्रामेटिक एग्जाम्पल है, सोनिया ड्राइव्स अ कार। सोनिया ड्राइव कर रही है तो कौन कर रहा है काम? सोनिया। सोनिया तो सोनिया सब्जेक्ट है, काम क्या कर रही है? ड्राइव कर रही है। एक्शन क्या हो रहा है? ड्राइव हो रहा है। दैट मीन्स ड्राइव जो है ये वर्ब है। और ये ड्राइव कर क्या रही है? ये एक्शन जो ये ड्राइविंग हो रही है किस पे हो रही है? कार पे हो रही है। तो कार इज अ ऑब्जेक्ट। समझ आया? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इसमें होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सेंटेंस जो है इसमें दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर डायरेक्टली आप एक्ट करते हो, जिस पर डायरेक्टली आप काम होता है किससे? वर्ब से। इनडायरेक्ट होता है जो आप क्वेश्चंस आंसर करते हो, सच एज टू, फॉर, हु। ठीक, टू और फॉर हु। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस शी बॉट अ बाइसिकल फॉर हर सन। वर्ब बॉट जो है, ये बॉट जो है इसमें वर्ब है। व्हाट डिड शी बाय, क्या लाया इसने? बाइसिकल। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। हियर बाइसिकल इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हर सन इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी एग्जाम्पल में हमने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसपे आप डायरेक्टली एक्शन होता है, यानी कि डायरेक्टली आपने बाइसिकल लाया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ये किसके लिए लाया है? टू हु, टू हुम और फॉर हुम। तो ये किसके लिए लाया इसने? ये अपने बेटे के लिए लाया, तो बेटा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। सम सेंटेंसेस ओनली हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सम हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। किसी सेंटेंस में जो है खाली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसी में दोनों होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी। अभी हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स। रवि रिपेयर्ड हिज कार। रिपेयर जो है वर्ब है, कार जो है दैट इज वर्ब प्लस व्हाट जो हमने अभी बताया। एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? किस पे काम हो रहा है? डायरेक्टली कार पे काम हो रहा है, इसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। प्लेड जो है वर्ब है, क्या इसने प्ले किया? कौन सी चीज? वर्ब प्लस व्हाट, क्या? फुटबॉल। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्ले किस पे हो रहा है? डायरेक्टली फुटबॉल पे। द पेरेंट सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड। सेंट भेजा, यानी कि काम हुआ, भेजना इज काम हुआ। पोस्ट कार्ड इज वर्ब प्लस व्हाट। किसको भेजा? हिम। तो हिम क्या बन गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या भेजा? डायरेक्टली हमने क्या चीज भेजी? पोस्ट कार्ड। भेजी किसको? हिम। दैट मीन्स हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही बॉट हिज डॉटर अ कंप्यूटर। बॉट जो है दिस इज अ वर्ब। कंप्यूटर भेज रहे, लाया। डायरेक्टली हमने कौन सी चीज लाई? कंप्यूटर। किसके लिए लाई? His daughter के लिए लाई, तो अपनी बेटी के लिए वो बन गई indirect object. So this was about parts of sentences and types of objects in sentence. Hope you have understand today's lecture. Thank you. Stay home, stay safe.